और ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग सब कुछ परफेक्टली होगा, चल रहा होगा। चलते हैं जनाब अपने लेक्चर के आगाज की तरफ, और मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि हम लोग इस वक्त मैथ्स का तो खत्म कर चुके हैं, ठीक है। मैथ्स के बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर होता है वो फिजिक्स का होता है। उम्मीद ये करता हूँ कि हमारी मेजोरिटी क्लास ने हमें ज्वाइन कर लिया होगा, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। सो इससे पहले कि मैं लेक्चर का आगाज करूं, एक बच्चे ने पूछा है, सर प्लीज वो रजिस्ट्रेशन वाली बात करनी थी वो कर लें। देखो बेटा, दो तरीके की दो सिंपल सी बातें हैं। जहां तक ताल्लुक है रजिस्ट्रेशन का, तो प्राइवेट वाले जो जो, जो स्कूल गोइंग वाले हैं वो तो स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी या हो रही होगी। उनको मैंने बड़ा पहले भी एक दफा मैसेज भेजा था, अभी भी रिसेंटली एक मैसेज भेजा कि जनाब कोशिश कीजिए कि आप स्कूल वालों से कहें कि कोड तो सारे वही हैं, 1 9 7 00 है फॉर बायोलॉजी, फिर 9 7 0 1 है फॉर केमिस्ट्री, फिर 9 7 0 2 है फॉर मैथ्स, नहीं मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है, ये फिजिक्स के लिए है, फिर 9 7 0 9 है फॉर यू नो मैथ्स, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको एक चीज बोली थी, उसी में पता नहीं इतना रोला पड़ा रहा, किसी को समझ नहीं आता सर क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि आपने कोड कौन सा सेलेक्ट करना है जिसमें प्रैक्टिकल्स लेट हैं, किस कोड में प्रैक्टिकल्स लेट हैं प्लीज ये बता दीजिए, जो आपका 3 4 होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल का कोड है 3 4। अब आपको स्कूल वाले इसको या तो 3 4 बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं ब्रैकेट में दो S4, S4 बोलो, ये इसको कुल मिलाकर 3 4 बोलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स का आपने सिर्फ ये वाला कोड सेलेक्ट करना था, उसमें कितना अनोखी बात है, इसमें क्या स्पेशल बात है, कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ इतना स्पेशल है कि इसका प्रैक्टिकल थोड़ा डिलेड है। एस जो 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 आपका ये एस, एक सेकेंड, जो आपका 3 3 होता है उसको कहते हैं S3, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप S3 वाले को मत सेलेक्ट कीजिए, क्यों, उसका प्रैक्टिकल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी तो पेपर 1 पेपर 2 के कोर्स तो सेम है, पेपर 1 पेपर 2 के कोर्स तो सेम है, जस्ट लाइक कि प्रैक्टिकल की दो सिचुएशंस हैं, एक 3 4 वाला प्रैक्टिकल होता है, एक अच्छा मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आप S5 कोई चीज है उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। बारह मैंने कोर्स भी भेजे हैं, मैंने सारा कुछ मैसेज किया, आई डोंट नो इसमें आपको अभी भी अगर कोई परेशानी तो प्लीज पूछ लीजिए कि सर ये 3 4 क्या चीज है या S4 क्या चीज है। 3 4 और S4 एक ही चीज है, 3 4 और S4 एक ही चीज है, और ये क्या चीज है, ये प्रैक्टिकल का कोड है, ठीक है, प्रैक्टिकल की एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो क्या सीन है। अभी उनको मुझे कंफर्म नहीं है कि उनका प्रैक्टिकल की एग्जामिशन आएगी कि नहीं आएगी, बहरहाल जब आएगा तो पता चल जाएगा। जहां तक ताल्लुक है प्राइवेट स्टूडेंट्स का, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स 2 3 दिन इंतजार कर लें, 18 तारीख को अकेडमी खुलेगी, उनको मैं खुद रजिस्ट्रेशन सरली के थ्रू करवाऊंगा। लास्ट तारीख है 8 फरवरी, 8 फरवरी मेरे ख्याल से लास्ट तारीख है, ठीक है। तो अभी टाइम है हमारे पास जी, 9 7 0 9 मैथ्स जी, एस ए जी फॉर मैथ्स, यस इट इज, ठीक है। 8 फरवरी अभी हमारे पास बड़ा आराम सुकून से टाइम है, एकेडमी खुलेगी तो मैं खुद करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कैम्ब्रिज अपलोडेड समथिंग अबाउट एग्जाम्पशंस, व्हाट इज दैट, आई थिंक इट इज 25th, नहीं बेटा स्कूल की 25 जनवरी है, जो प्राइवेट वालों की है, प्राइवेट स्कूल की तो हर किसी की अपनी अपनी डेडलाइन है, किसी ने 25 जनवरी दिया है, किसी ने 28 जनवरी दिया है। कैम्ब्रिज की जो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन होती है, जनरल डेडलाइन, वो 8 फरवरी है। खैर ये सारी बातें कर ली हैं, अभी भी किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। यू टीच बेटर इन ऑनलाइन क्लासेस, पुत्र मैं लाइव क्लासेस में भी अच्छा, इससे भी अच्छा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। चलो आई हैव व्हाट्सएप यू द एग्जेम्पशन लिस्ट, ओके मैं देख लेता हूँ उसको। द पर्सन इज आस्किंग अबाउट प्रैक्टिकल एग्जेम्पशंस, बेटा मैं जो आपने मुझे लिंक भेजा है मैं उस लिंक को पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। अकेडमी कब खुलेगी, परसों इंशाल्लाह, परसों इंशाल्लाह, परसों आई थिंक मंडे वाले दिन क्लास है आपकी। व्हाट इज दिस एग्जेम्पशन थिंग, नथिंग यार, जस्ट इग्नोर इट, मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा ना भाई, पढ़ूंगा तो पता चलेगा ना, आज की हद तक प्लीज इन इन एक्स्ट्रा बातों को इग्नोर करिए। अकेडमी इंशाल्लाह खुलने वाली है, मंडे वाले दिन अकेडमी खुलेगी, टेस्ट होगा, गपे शपे भी होंगी, जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो आपके मसले सस्ले होंगे जरूर डिस्कस हो जाएंगे। फिलहाल फिलहाल जैसे मैंने आज मैथ्स का एक चैप्टर खत्म किया है, इनफैक्ट मैथ्स का वो सेक्शन खत्म किया है, और उसकी आपको भी मैं क्लास के बाद एक वर्कशीट भेजूंगा, उसकी कल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और यू नो उसके बाद उसका मंडे को टेस्ट लूंगा। इसी तरह आज मेरी कोशिश ये है कि मैं फिजिक्स का भी एक टॉपिक आज खत्म कर लूँ, फिजिक्स का भी जो हमने फोर्सेस वाला कटा खोला हुआ है, इस कटे को मैं आज खत्म करना चाहता हूँ।
प्लीज बताइए हम क्या पढ़ रहे थे बेटा जी। हम फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ओके हो गया। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं जी? मैकेनिक्स में जी, मार्क्स क्यों नहीं जाएंगे घर? जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? मैकेनिक्स में डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। कैसे बच्चों वाली बातें करते हैं आप लोग यार, ऐसे जैसे मॉन्टेसरी के बच्चे हैं। टेस्ट का क्या मकसद होता है? प्यार मोहब्बत करना मकसद होता है ना, तो वो प्यार मोहब्बत होगी फिर, ठीक है? वो कैसे होगी वो आपको पता ही है। मैकेनिक्स में डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, डायनेमिक्स में हम फोर्सेस पढ़ रहे थे, फोर्सेस में हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम कहाँ पे पहुंचे थे? आई थिंक हम कॉन्टैक्ट फोर्स पर पहुंचे थे। एंड व्हाट वाज दिस कॉन्टैक्ट फोर्स? आई डोंट नो इसका नंबर क्या था, आई डोंट नो इसका नंबर क्या था, लेकिन हाँ इसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होते थे, एक हॉरिजॉन्टल वॉज नोन एज फ्रिक्शन एंड द वर्टिकल वॉज नोन एज यू नो द नॉर्मल रिएक्शन। खैर इसके हमने क्या किया, इसके हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ रही थी, हम इसके डिफरेंट केसेस पढ़ रहे थे, ठीक है? और उन डिफरेंट केसेस में मुझे अगर थोड़ा सा हेल्प करें, बताइए मैं कौन कौन सा केस पढ़ा रहा था आपको, या कौन कौन सा केस पढ़ा चुका था? जो हमारा बिल्कुल लास्ट पहला केस था, इट वाज एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। फिर था एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। फिर था एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ आई थिंक स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। फिर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है? इस तरह के हमने कुछ केसेस किए थे, ठीक है? आखिरी केस अगर आप मुझे बता दें तो मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। आखिरी जो मैंने पढ़ाया था वो वाला केस बता दीजिए। नहीं, केस तो नंबर नहीं यार, केस का नाम क्या था, उसका टाइटल क्या था? एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन एयर। मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन एयर, ठीक है? ओके। और उसमें क्या कहानी थी, उसमें क्या कहानी बिल्ड हुई थी? उसमें कोई टर्मिनल वेलोसिटी वाली या कोई टर्मिनल स्पीड वाली कहानी बिल्ड हुई थी, ठीक है? याद है कि नहीं याद? फिर मैंने आपको एक ओ लेवल्स वाली नोट्स को कॉपी करने को कहा था, ठीक है? वो कौन सा केस बनता है? इसको इसको मैं क्या केस का टाइटल दूं? केस नंबर क्या? ये फ्री फॉल मोशन वाला केस 6 था कि 7 था? फ्री फॉल मोशन इन एयर जो है वो केस 6 है कि 7 है? केस नंबर 7। मैं उसको बहुत क्विक रिव्यू करने लगा हूं, जरा गौर से सुनेगा। आई होप आप लोगों ने लिखा हुआ है, फ्री फॉल मोशन इन व्हाट? फ्री फॉल मोशन इन एयर। ओके, अब ये जो फ्री फॉल मोशन इन एयर है इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? दो अल्फाज हैं, फ्री फॉल, फिर एयर और फिर मोशन। लेट्स सी ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर एयर का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर देखेंगे मूवमेंट किस तरह की हो रही है। फिर देखेंगे मूवमेंट किस तरह की हो रही है। बेटा जो फ्री फॉल मोशन होता है, इट इज अंडर व्हाट? इट इज अंडर द इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, लिखा हुआ है आपने पहले से, सिर्फ सुनिएगा प्लीज। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? अब ये ग्रेविटी क्या करती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करती है भाई? ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन कॉज होती है, ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हमको बोलते क्या है? दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस क्या है कि ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक हो गया? इट इज 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है? और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है? इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से देर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी
जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वेट बोलते हैं, और उस वेट का फॉर्मूला क्या होता है, उस वेट का फॉर्मूला mg होता है। अगर हम कहें कि g कांस्टेंट है तो फिर m तो कांस्टेंट होता ही होता है, g भी उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, वेट इज इक्वल टू mg होता है, जो वेट होता है। दो बातें इसके साथ, एक तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, वेट इज, मैं थोड़ा सा स्पीड ऑफ स्पीड करने की कोशिश करूंगा, ओके, वेट इज वर्टिकली, सब लिखा हुआ है, सब समझा हुआ है, दोबारा लिखने का दिल कर रहा है तो कर लेना, लेकिन अदरवाइज जस्ट सुनते जाओ। वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट इज कॉन्स्टेंट एंड इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट इज क्या, वेट इज कॉन्स्टेंट एंड इट एक्ट्स किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, ठीक है जी। यहां तक किसी को परेशानी है, ओके हो गया, ओके हो गया। और एक और बात यह है, ये जो वेट कॉन्स्टेंट है और वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट एक्ट्स एज द ड्राइविंग फोर्स। ये किस तरीके से काम करती है, इट ड्राइविंग मतलब ये उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए की कोशिश करती है, इट ट्राइज टू मूव द ऑब्जेक्ट, इट एक्ट्स एज द ड्राइविंग फोर्स, इट एक्ट्स एज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ओके ओके, होती नहीं है लेकिन ये एक्ट करती है द ड्राइविंग फोर्स, ओके। ये तो मैंने आपको फ्री फॉल ग्रेविटी का समझा दिया। अब अगर मैं एयर के बारे में बात करूं तो व्हाट इज एयर, एयर सर जी एक मीडियम है, एयर इज अ मीडियम, ठीक है, किस तरह का मीडियम है, ये एक फ्लूइड है जिसको आप गैस भी कह सकते हैं, ये गैस है या फ्लूइड है तो ये गैशियस मीडियम, इट इज अ मीडियम, और व्हाट सॉर्ट ऑफ मीडियम इज इट, इट इज अ गैशियस मीडियम, बट यू कैन कॉल इट अ फ्लूइड एज वेल। अच्छा, और ये फ्लूइड क्या करता है सर, ये फ्लूइड क्या करता है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स resistance to motion, it offers what, resistance to motion, इसको हम क्या कहते हैं, that is known as air resistance, you can call it air drag or you can call it air friction as well, ठीक है, it offers resistance to motion, that is known as air resistance, air drag, या फिर एयर फ्रिक्शन इज वेल, ठीक है। और ये जो एयर फ्रिक्शन, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो ये जो फ्लूइड की फ्रिक्शन है, इस फ्लूइड फ्रिक्शन की इक्वेशन क्या है, इट्स इक्वेशन इज के वी स्क्वायर, के वी स्क्वायर, के सम कांस्टेंट, के सम कांस्टेंट दैट माइट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दैट माइट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, बट यू नो व्हाट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस वी, this air friction जो है, ये जो air drag है, it is what, it is directly proportional, it is directly proportional to what, it is directly proportional to this speed का square, ठीक है। so ये क्या होता है, this is directly proportional to speed का square, का मतलब क्या है कि जैसे जैसे speed ज्यादा होगी वैसे वैसे friction ज्यादा होगी, friction is not constant, it varies as speed varies, air drag varies as speed varies, okay? अच्छा, ये मैंने free fall के concepts भी सारे लिख दिए, air का मतलब भी सारा लिखवा दिया, अब चलते हैं जनाब इसकी movement की तरफ, अब चलते हैं जनाब इसकी movement की तरफ, okay जी। जब आप उसको move कराएंगे उस object को, तो मुझे please बताइए उसकी initial speed के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस object की इनिशियल स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, इसकी मूवमेंट को लेकर इसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड विल बी जीरो, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू यू एंड दैट यू विल बी इक्वल टू जीरो। जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराएंगे तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, वो जीरो होगी, ठीक है, ओके हो गया। जब उसकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी बेटा,
मतलब इनिशियल स्पीड का मतलब क्या होता है, कब, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम जीरो है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो था तो इसकी इसका जो एट टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल स्पीड इज जीरो, इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, ठीक है, नीचे जा रहा है, यस नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल, इनिशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इनिशियली, बल्कि एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली स्पीड जीरो होती है, द ओनली फोर्स इज वेट, द ओनली फोर्स इज ग्रेविटी, हेंस द एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल, दैट इज ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू प्लस 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, इसकी ड्राइंग ये बनाता हूँ फिर मैं, कि सर जब जब क्या हो रहा था, जब टाइम जीरो था तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड जीरो थी, इसके ऊपर द ओनली फोर्स वॉज डाउनवर्ड्स, कौन सी वाली फोर्स, द ओनली फोर्स वॉज, कल के लेक्चर के बाद लिखना था ना वो ओ लेवल्स के जो स्क्रीनशॉट लिए थे, जी बेटा जी जी जी, उसी को रिव्यू कर रहा हूँ, उसी को रिव्यू कर रहा हूँ, उसी सारे को रिव्यू कर रहा हूँ, द ओनली फोर्स वॉज वेट, वेट इज इक्वल टू एम जी, एम जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 9.81। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, हाँ जी, हमने क्या कहा कि सर इनिशियली क्या हो रहा है, उसकी स्पीड जो है वो जीरो है, द ओनली फोर्स इज ग्रेविटी, हेंस द एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल, ठीक है, सो ये वाली सिचुएशन आ गई आपके पास, ये वाली सिचुएशन आ गई आपके पास, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, दिस हैपन्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, ऊपर आपने कहा इनिशियली ऐसा होता है, ठीक है, ऊपर आपने चीज को लफ्जों में समझाया है, इधर आपने सारी कहानी को, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसको बल्कि यूं लिखो, इनिशियली the object is at rest, the only force is gravity, gravitational, hence the acceleration is gravitational, to symbols mein aa jayega, time zero, initial speed is zero, acceleration is gravitational, that is equal to 9.81, w is equal to mg, that's it, acha ab bataiye agla kaam kya hota hai, sir with respect to time jab ye accelerate karega, acceleration ka matlab ye hai इसकी स्पीड ज्यादा होगी, व्हेन इट एक्सेलरेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, इट एक्सेलरेट्स, इसकी स्पीड में इजाफा होता है, इसकी स्पीड में इजाफे से इसकी फ्रिक्शन में, इसके अंदर एयर फ्रिक्शन में इजाफा होता है, एयर फ्रिक्शन के इजाफे से नेट क्या होता है, सुनिए जरा दूसरी सिचुएशन क्या होगी, तो पहली सिचुएशन थी, व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, एज टाइम पासेस क्या होगा भाई, इट विल एक्सेलरेट, मतलब क्या इस बात का, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, जिसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा था तो स्पीड इंक्रीज हो गई, स्पीड इंक्रीज कर रही थी तो फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले, एयर फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले, एयर फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले,
एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होती है, जिसकी वजह से नेट फोर्स डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट फोर्स डिक्रीजेस, और उसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन क्या होती है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या करती है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करती है। लव जी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करती है, एज टाइम पासेज इट विल एक्सेलरेट, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, एयर फ्रिक्शन विल कम इन टू प्ले and it will increase with increase in speed, net force will decrease and hence the acceleration will also decrease. इसको symbols में कैसे बनाऊं, इसकी symbolic representation क्या है, उसी के नीचे बनाइएगा आप लोग। मतलब अगर time कुछ गुजर जाए, like at time is equal to t, something like time को t गुजर जाए, तो क्या होगा, ये जो object है, इस object का नीचे की तरफ क्या act करेगा, at time is equal to t, at some time is equal to t, there is this object, नीचे उसका वेट है जो कि फिक्स्ड है, ऊपर इसके फ्रिक्शन एक्ट करेगी जो कि इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, शुरू में तो थोड़ी सी छोटा सा एरो बनाइएगा, ऊपर इसके एक एयर फ्रिक्शन एक्ट करेगी, ठीक है, इस वक्त इसकी स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है, इस वक्त इसकी स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ तो होगी, और जो ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन जो है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, स्पीड या स्पीड का स्क्वायर। चलो इस वक्त इतनी गहराई में नहीं जाता मैं, इतना पता सर हमें कि एयर फ्रिक्शन जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, अब वो स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है कि स्पीड पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, मुझे इसकी गहराई में नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर नेट फोर्स क्या होगी, यहाँ पे सर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए, व्हाट इज नेट फोर्स, डायरेक्शन ये जा किधर है, ऑब्जेक्ट इज नीचे जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट जब उसका डायरेक्शन मोशन नीचे है, तो नीचे वाली फोर्स पहले लिखता हूं, वेट माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वेट क्या है, वेट की जगह लिखना है तो एम जी लिख दो, माइनस फ्रिक्शन की जगह लिखना है तो के बी स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहां पे एफ नेट को बेसिकली क्या हो रहा था, अगर आप यहां पर यह देखते हो कि सर एफ नेट कम हो रहा है, या एफ नेट कम हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, एक्सेलरेशन मास तो नहीं चेंज होता ना, मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट होता है, तो अगर एफ नेट कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रही होगी। हाँ जी, ये आपकी तीसरी, ये दरमियान की सिचुएशन आ गई, ये दरमियान की सिचुएशन आ गई, और एक अल्टीमेट सिचुएशन क्या है, अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स व्हेन व्हाट हैपेंस, व्हेन द एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, यहां तक किसी ने कोई सवाल पूछना है, इनिशियली क्या हुआ, दरमियान में क्या हुआ, एंड पे क्या होगा, मैं अगले पेज पे चला जाऊं, जी नो प्रॉब्लम्स, ओके, एंड पे मैं लिखता हूं, अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स ultimately a stage comes when what happens when air friction increases so much that it equalizes the weight due to which the net force, क्या रहता है भाई, net force, हाँ net force becomes zero and the forces are said to be what, balanced, okay, and the net force becomes zero due to which acceleration
एक्सेलरेशन becomes zero and ये ले भाई जब पूछता हूं तब सफी लिखता नहीं है भैया, ले ली स्क्रीनशॉट सफी साहब, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके हमने कहा क्या होगा, अल्टीमेटली स्टेज कम्स व्हेन एयर फ्रिक्शन इंक्रीजेस सो मच दैट इट इक्वलाइजेस द वेट ड्यू टू व्हिच द नेट फोर्स बिकम्स जीरो, ठीक है, एंड द फोर्सेस आर सेट टू बी बैलेंस्ड ड्यू टू व्हिच एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, एक्सेलरेशन गेट्स जीरो ड्यू टू व्हिच द एक्सेलरेशन गेट्स जीरो, सर वी हैव रिटन दिस ऑलरेडी, शुड वी राइट अगेन, नहीं अगर नहीं लिखने की जरूरत, पहले से लिखा हुआ है तो जस्ट सुनते जाओ due to which acceleration gets zero and there is no more increase in the speed. The speed becomes constant such that the speed becomes constant and is known as terminal speed. So what is terminal speed? It is the maximum and constant speed, the maximum constant speed at which an object can travel, at which the object travels, when what happens? When the frictional forces equalizes the driving forces. When the backward frictional forces equalizes the forward driving forces. इस वक्त frictional force air है और forward driving force जो है वो weight है, ठीक है जी। सो व्हाट इज टर्मिनल स्पीड, इट इज द, सर अब सारा लिख लिया है अब नहीं छोड़ सकते, लिखें जनाब नोन एज टर्मिनल स्पीड। व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड, इट इज द मैक्सिमम, डिफाइन करेंगे तो क्या है, इट इज द मैक्सिमम भी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, द मैक्सिमम भी है एंड कॉन्स्टेंट भी है, it is the maximum constant speed that is attained when what happens, when the driving force, is wagat kon hai, is wagat driving force was weight, when the driving force, बल्कि एक सेकेंड, when the frictional forces या फोर्स, इस वक्त कौन है वो, एयर फ्रिक्शन, इक्वलाइजेस द ड्राइविंग फोर्स और इस वक्त ड्राइविंग फोर्स कौन है, दैट इज वेट। हेलो जी जी, तो भाई आपने कल लिखा भी था, मैंने दोबारा रिव्यू भी कर दिया है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन, मैंने इस फ्री फॉल मोशन इन एयर का स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है और मैंने इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो असल चीज ये है, क्या ड्रॉ करें, दो कॉलम्स बनाए। पिछला तो सारा आपने ये कर लिया होगा, आपने पहले से नोट्स लिख लिए होंगे, जो मैंने ओ लेवल्स को पढ़ाया था वो भी देख लिया, जो आपको पढ़ाया वो भी देख लिया है, ठीक है, वो आपको भी बता दिया। कैन यू मेक अ बॉल डायग्राम फर्स्ट, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे भी वो बॉल वेट डायग्राम बनाए, ओके सुनो, वो बॉल वेट डायग्राम क्या बनी, अब वो बॉल है जी, लो जी ये आ गई, यहाँ पे मैंने पहले क्या कहा था, टाइम जीरो, फिर टाइम स्मॉल टी, अब टाइम कौन सा लें, अब लिखते हैं टाइम कैपिटल टी, एट टाइम कैपिटल टी, कोई एक बड़ा मखसूस टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, जिस टाइम पे फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, पहले था टाइम जीरो, फिर टाइम तो कोई भी टाइम, अब एक स्पेशल किस्म का टाइम है, जब क्या हो गया, जब नहीं, ये सवाल नहीं आ सकता, ये नीचे की तरफ कौन है, वेट है,
विच इज इक्वल टू एम जी। ऊपर की तरफ कौन है, फ्रिक्शन है, विच इज इक्वल टू क्या, समथिंग लाइक के वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, फ्रिक्शन हैज इक्वलाइज्ड द वेट, के वी स्क्वायर हैज इक्वलाइज्ड एम जी। यस, आप ये भी लिख सकते हो कि के वी स्क्वायर हैज इक्वलाइज्ड एम जी। खैर जो भी निकालना हुआ निकाल लेंगे, बहरहाल एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट हैज गॉटन जीरो। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, स्पीड बिकम्स क्या, स्पीड इसमें एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गई है तो डेल्टा वी क्या हो गया है, व्हाट इज डेल्टा वी, चेंज इन स्पीड क्या होगी, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो प्लीज बताइए चेंज इन स्पीड क्या हो गया, देयर इज नो मोर इंक्रीज इन द स्पीड, देयर इज नो मोर इंक्रीज इन द स्पीड, तो डेल्टा वी भी जीरो हो गया। डेल्टा वी जीरो हुआ है, वी जीरो नहीं हुआ, वी इज क्या, वी इज, अब वी को क्या बोलो, अब वी को बोलो वी टी, क्या बोलो वी टी, इसका नाम क्या रखेंगे हम, टर्मिनल वेलोसिटी। हेलो जी, सिंबल्स में ये लिखेंगे कि बॉल में नीचे की तरफ वेट था, ऊपर की तरफ एयर फ्रिक्शन थी। ठीक है, एयर फ्रिक्शन क्या हो गई, वो यू नो एयर फ्रिक्शन जो है वो वेट के बराबर हो गई, फोर्सेस बैलेंस हो गई, एफ नेट जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, डेल्टा वी जीरो हो गया, लेकिन वी जीरो नहीं हो, वी क्या हो गया, वी का नाम है वी टी, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, विच इज क्या, इसके दो कैरेक्टर्स हैं, दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती वेलोसिटी, एंड दूसरी क्या चीज है, दूसरा सर इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अब ये कम या ज्यादा नहीं हो रही, अब ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नाउ अब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, दैट इज, बल्कि सिंपल है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं लिखना, जी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, सुनिए प्लीज दो मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं आप तीनों की स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ओ लेवल्स वाला वर्जन दिखाया इसका, आपको कहा उसको नोट करो, आज थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाना स्टार्ट किया, एल पढ़ा मैं स्पीड से रहा था, चूंकि आपने ओ लेवल्स वाली सारी बात रिव्यू कर ली थी, ठीक है, और आप पहले भी वो हॉरिजॉन्टल मोशन में भी हम बड़े मजे के वो केसेस पढ़ते आ रहे थे, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको याद है हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली थी, अब एक वर्टिकल मोशन में भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव की है, सबसे पहला काम है कीजिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं वो बात का सवाल है, पहले उसको इसकी स्क्रीनशॉट लो, इसकी स्क्रीनशॉट लो, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ बाद में समझाता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए, ओके, इसकी स्क्रीनशॉट लो, ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लो, ले लिए, चलो जी, अब कहानी पुत्र ये है, अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, वो जो ओ लेवल्स के नोट्स थे वो भी ठीक है, जो ए लेवल्स के नोट्स हैं ये भी ठीक है, जो ओ लेवल्स के नोट्स थे वो भी ठीक है, जो ए लेवल्स के नोट्स हैं ये भी ठीक है, दोनों में बहुत ही कोई मार्जिनल सा 5-1% का फर्क है, ठीक है, अगर आप दोबारा लिखना चाहते हो तो मैं भी रिकमेंड कहा, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमने दोबारा लिख लिया, बहुत सारे बच्चों ने दोबारा लिख लिया तो आप भी दोबारा लिख लेना, इसलिए स्क्रीनशॉट दिलवाई है कि आप भी इसको दोबारा लिख लेना, आप भी इसको दोबारा लिख लेना, दो दफा लिखने से फायदा क्या होता है, दो दफा वाई द स्पीड इंक्रीजेस इन द मिडल ऑफ दिस केस। अच्छा लो जी, एक सवाल आगे, सवाल आगे, अहमद बुखारी कहते हैं कि सर स्पीड इंक्रीज क्यों कर रही है, अहमद बुखारी इनिशियल स्पीड क्या है, अहमद इनिशियल स्पीड क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दे मेरा भाई, इनिशियल स्पीड है जीरो। अच्छा अगर एयर ना होती, एयर ना होती, जैसे हमने जो पहले मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं आपको फ्री फॉल मोशन पढ़ाया हुआ है, विदाउट एयर, अगर एयर ना होती तो क्या होता, एक्सेलरेशन इतनी होती और वो एक्सेलरेट करता, क्या करता वो,
बेटा जब आप जैसे ही ड्रॉप करेंगे, सबसे पहला इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का. ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एज टाइम पासेज इट विल एक्सेलरेट, इट्स स्पीड विल इंक्रीज. अहमद साहब, सबसे पहले तो ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेगी ना, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा, ठीक है? अब वो एक्सेलरेट कर रहा है तो मतलब स्पीड ज्यादा हो रही है. अब जैसे ही स्पीड, देखो खड़ी गाड़ी को तो हवा की फ्रिक्शन ही होती ना, गाड़ी जब चलती है तो वो हवा को काटती भी जाती है, तो वो हवा को तब फ्रिक्शन एक्ट करती है. तो हमने यहां क्या लिखा था? फ्रिक्शन का ताल्लुक है स्पीड के साथ. गाड़ी चलेगी तो फ्रिक्शन होगी, गाड़ी नहीं चलेगी तो फ्रिक्शन नहीं होगी. अब जब उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई, तो एयर फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड. अब एयर फ्रिक्शन भी क्या करना स्टार्ट हो गई, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही थी साथ साथ फ्रिक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो गई, अच्छा उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से नेट फोर्स कम हो गई और हाँ एक्सेलरेशन भी कम होती गई, और करते करते अल्टीमेटली एक्सेलरेशन क्या हो गई? अल्टीमेटली एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तब फोर्सेस बैलेंस हो गई, ठीक है? तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द फ्री फॉल मोशन इन एयर. दिस इज द क्वेश्चन. क्या सवाल है जी? ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ और यहां पे ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है? नो इश्यूज साथ, सही किया. ये चीज आपको ग्राफ्स में नहीं मिलेगी, तो अब ये तो आप सबने करनी है. ये चीज आपको पिछले नोट्स में नहीं मिलेगी, तो ये आप सबने लिखना है. ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ एंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर व्हाट? फॉर फ्री फॉल मोशन इन एयर. There you go. There is this speed time graph. मैं इधर बनाऊंगा और acceleration time graph मैं इधर बनाऊंगा. मिसाल के तौर पर इफ आई से के एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज ओ फॉर ओरिजिन, यहाँ पे स्पीड है इन मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन है इन व्हाट, एम एस माइनस टू. मुझे बताइए इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड क्या थी जी? बच्चों बताएंगे इनिशियल स्पीड क्या थी? जीरो, ठीक है? उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या थी? अगर ये एयर ना होती, अगर क्या ना होता भाई, अगर एयर ना होती तो लेट मी टेल यू कि मैं ना इसका ग्राफ पता कैसा बनाता, ऐसा, जिसका ग्रेडियंट कितना होता, अगर एयर ना होती तो मैं ये बनाता, और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता ए इज इक्वल टू जी होता, इसका ग्रेडियंट ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू प्लस 9.81 के बराबर होता. M, M is the gradient. Gradient is equals to acceleration is equals to gravitational acceleration is equals to इतना होता. अब चूंके grade वो है, तो speed increase तो कर रही, क्या acceleration constant थी? Actual में graph ऐसे है. This is the actual graph भाई. वो graph नहीं है, ये graph है. और यहाँ पे I believe
ये पॉइंट, ये पॉइंट बड़े सिग्निफिकेंस रखते हैं। इस टाइम को मैं क्या कहूंगा, दिस इज कैपिटल टी। दिस टाइम इज क्या, इफ आई से दिस टाइम इज कैपिटल टी, देन व्हाट इज दिस, दिस इज द स्पीड एट कैपिटल टी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। द टाइम व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, दिस इज द टाइम व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो असल ग्राफ तो ये वाला बना कि जी स्पीड क्या कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसको क्या बोलते हैं, स्पीड इज इंक्रीजिंग। याद है आप सारे ग्राफ्स पढ़े हुए ना भाई, आपने ग्राफ्स पढ़े कि नहीं पढ़े? तो यहाँ क्या जुमला होगा, यू नो स्पीड इज इंक्रीजिंग, इसको हम कहते थे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो रही है ना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ये काम करिए एक्सेलरेशन, बल्कि एक सेकेंड कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, लिखवाने वाली बात मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, अभी कुछ मत लिखिए, इधर आ जाइए। मुझे ये बताइए कि इनिशियली एक्सेलरेशन जब टाइम जीरो था, जब आपका टाइम जीरो है, व्हेन द टाइम इज जीरो, प्लीज टेल मी व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन। टाइम जीरो पर इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। यहां पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इधर बताइए ग्रेडिएंट क्या है। सर जी इधर ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो है। उधर क्या था, उधर ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी के बराबर था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, फ्रॉम क्या, फ्रॉम जी टू ए, फ्रॉम जी टू जीरो, फ्रॉम ए इज इक्वल टू जी टू ए इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम a is equal to g to a is equal to zero. हाँ जी, acceleration decreases from a is equal to initially value उसकी कितनी होगी, g होगी, और बाद में उसकी value कितनी होगी, बाद में उसकी value zero होगी। जब ये time capital T था, इस time पर उसकी acceleration zero है, इस time पर उसकी acceleration इतनी है। अब आप इनको सीधी line से जोड़ते हैं, एक second रुकिए, आप इस वाले graph को यूं जोड़ दीजिए, इस तरह से सीधी लाइन से जोड़ते हैं, या आप इसको कर्व लाइन से जोड़ते हैं, मुझे इस वक्त इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट हमें कुछ भी नहीं बताता। बस इतना पता है कि जब टाइम जीरो था तो जी की वैल्यू इतनी थी, जब टाइम इतना था तो जी की वैल्यू इतनी है। अब आप इसको सीधी लाइन बनाएं, आप इसको यूं करके बनाएं, आप इसको यूं करके बनाएं, मुझे नहीं पता। क्यों सर? बिकॉज एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है उसके बारे में हम कोई राय नहीं रखते, उसके बारे में हम कोई राय नहीं रखते। जी वहां तो आपने लिखा एक्सेलरेशन डिक्रीजेस फ्रॉम ए इक्वल टू जी टू ए इक्वल टू जीरो, यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां क्या हो रहा है सर, स्पीड इंक्रीजेस कहां से, फ्रॉम u is equal to 0 to v is equal to vt, किस रेट पर, एट अ डिक्रीजिंग रेट। जी भाई क्या मैं कह सकता हूं स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, स्पीड बढ़ रही थी, एक सेकेंड रुकिए, वैसे तो एक टेंजेंट लगाना था। जी इधर टेंजेंट दिखाना है, ठीक है। असल ग्राफ कौन सा है, असल ग्राफ एक कर्व्ड है, इनिशियल टेंजेंट की ग्रेडियंट है 9.8, अल्टीमेटली टेंजेंट का ग्रेडियंट है 0, सो व्हाट इज हैपनिंग, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, बट यू नो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी तो ऊपर जा रही है ना, वक्त के जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी ऊपर जा रही, तो स्पीड और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम स्पीड इज इक्वल टू 0 टू स्पीड इज इक्वल टू vt एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का आई होप आपको मतलब पता ही होगा, डिक्रीजिंग रेट का आई होप आपको मतलब पता ही होगा। कोई सवाल या जवाब है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई सवाल या जवाब है तो प्लीज पूछ लीजिए।
एनीवन? हाँ जी जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? सर सिंस स्कूल्स आर, नहीं नहीं सब बेटा ये सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे, गिव अस वीकेंड एज ऑफ एज सो वी कैन हैं व्हाट सिंस, सुनो भाई सुनो, छोड़ो, बड़े मजे का मैसेज आया, टेस्ट कौन देगा, मेरा चाचा आके टेस्ट देगा, सर सिंस स्कूल्स आर ओपनिंग गिव अस वीकेंड एज ऑफ सो वी कैन एंजॉय लास्ट हॉलीडेज बिफोर अवर सीआईईज, अरे वाह भाई वाह माशाल्लाह, इतना मैं अच्छा, इतने आप अच्छे हैं। अच्छा एक बच्चा वैसे सियाणा है, कहते हैं सर जी प्लीज गिव अस हॉलीडेज फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन, अरे हाँ ये इस तरह से छे, ओए तुम लोगों को वो भी नहीं करना आता, रिश्वत भी देने आती है, वो कह रहे सर जी एंजॉय करने के लिए छुट्टी दे, नो नो अब मुझे पता चल गया कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, नहीं कोई छुट्टी नहीं, एंजॉय करोगे तुम लोग, टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे ना, नो छुट्टी, कल पर संडे को छुट्टी ले लो ना, हाँ हॉट एंड स्पाइसी खिलाएंगे ना, आपने पास रखी अपना हॉट एंड स्पाइसी, मैं नहीं खा रहा, मेरे पास पड़ा है अपना हॉट एंड स्पाइसी, ठीक है, एंजॉय एंजॉय खत्म जी, जितना एंजॉय होना था हो गया है, जितना एंजॉय होना था हो गया है, इट्स अफेक्टिंग अवर मेंटल हेल्थ, व्हाट इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, है इतने मैसेजेस आ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहा, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, ओके रिलैक्स भाई रिलैक्स, मुझे ना 5-1 मिनट और चाहिए ये फ्रिक्शन का धंधा खत्म करने के लिए, कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा, कोई स्ट्रेस, 3 चैप्टर का तुम लोग स्ट्रेस ले रहे हो, मैंने तुम लोगों को गोली मार देनी, स्ट्रेस के रिश्तेदार ना हो तो, हैं पेपर ए लेवल्स के नहीं देने, ओ लेवल्स में मुफ्ती में आगे हो आगे, आप यूं चाहते हो कि ए लेवल्स में मुफ्ती में आगे चले जाएं, कीप अप विद स्कूल्स वर्क टू, कॉलेज में भी मिड्स हैं, तो मेरिट वाले सब्जेक्ट्स की, मेरे चैप्टर्स की तैयारी करोगे तो ऐसा कौन सा है कि वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने कौन सा आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई और उसका टेस्ट ले रहे हैं, यही होगा ना सारे पहले चैप्टर्स, यही होंगे ना भाई, यही चैप्टर्स होंगे, ठीक है, सो आगे हैं, सो बेशक वो आगे हैं कि जहां भी हैं पुत्र मेरे वाले सिलेबस की अच्छी सी तैयारी कर लो ताकि मेरा टेस्ट भी हो जाए और कम अज कम उनका भी आधा हो जाए, ठीक है, ओके भाई डिस्कशन एंड्स, नो मोर डिस्कशन, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, कोई बहस नहीं करनी, आपकी कल भी क्लास है, मंडे को आपका टेस्ट है, तो जनाब जी एक छोटा सा काम करिए, 5 मिनट मुझे और दीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा मैसेजेस, कैन प्रिपेयर प्लीज, इतना बड़ा प्लीज अपने पास रखें, नो 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 नो, सुनो आप इतना भी वो क्या कहते हैं ब्लैकमेल ना करो ना, इमोशनल ब्लैकमेल ना करो जी, ठीक 5 मिनट दो, ये टॉपिक खत्म करता हूँ, इसकी भी एक वर्कशीट भेजनी है कल, उसकी भी प्रॉब्लम्स करनी है, मंडे को सारे टेस्टों के लिए आपको प्रिपेयर करना है भाई, मंडे को सारे टेस्टों के लिए प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं जी जी, मैं आप मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, डोंट वरी मैं ख्याल रखूंगा आप लोगों का, मैं ख्याल रखूंगा आपको, ये तो हाँ बिल्कुल लॉल हो गया यार बस करो, एक बात सुन लो, सब्जी खरीदने आए हो तुम लोग, वो कहते हैं रेट कम कराई जा रहे हो, आलू इतने किलो दे दें, टमाटर इतने किलो दे दें, है ना कमी, जस्ट बात खत्म, नो डिस्कशन, टू स्पेशल केसेस, मैं ना यहाँ से मैसेज विंडो अपनी क्रॉस करने लगा हूँ, ठीक है मैं मैसेज विंडो क्रॉस करने लगा हूँ, बस करो, अच्छा सुनो अच्छा सुन तो लो, बात तो सुनो, टॉपिक तो खत्म करने दो ना यहाँ, ठीक, टू स्पेशल केसेस ऑफ फ्रिक्शन, टू स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉट एग्जैक्टली स्पेशल बट यू नो टू डिफरेंट केसेस, सम मोर केसेस या जो भी आप इसको कहेंगे, टू स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, असल में ना पेपर में एक दो सवालात हैं, किसी पास्ट पेपर से रिलेटेड मैंने सवाल देखा है, मैं जरा वो आपको कराना चाहता हूं, मसलन ये सुनो, ये दीवार है और ये जमीन है, दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ फ्लोर, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, नंबर वन अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ रफ वॉल and the rough floor, a ladder leaning against what, a rough wall and a
रफ फ्लोर। ओके जी, किधर है लैडर? सर जी ये है लैडर, उसका आप ये साइड व्यू देख रहे हैं, ये लैडर है। इस लैडर का दिस इज द लैडर, दिस इज द दिस वॉज द दिस इज रफ वॉल। रफ वॉल का मतलब क्या है कि वॉल में कोई ना कोई फ्रिक्शन है। रफ का मतलब क्या है सर? यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन है। रफ फ्लोर सर, यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन। ओके, फोर्सेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली फोर्स क्या होगी? सबसे पहली फोर्स क्या होगी सर? इस लैडर का क्या होगा? वेट होगा सर जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? वैसे मेरा आपसे सवाल है, इसके कॉन्टैक्ट फोर्सेस किधर किधर हैं? इसकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस किधर किधर हैं भाई? हैं? इसकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक कॉन्टैक्ट इसके इधर हो रहे हैं फ्लोर के साथ, एक कॉन्टैक्ट इसके इधर हो रहा है दीवार के साथ, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट फोर्स किधर होगा? दिस विल बी एक तो इस जमीन के परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड एक ये नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? दीज आर द टू पॉइंट्स वेयर दिस लैडर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल एंड विद द फ्लोर। तो इधर अगर आप ये बनाएंगे, ये क्या है? दिस इज द आर, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द फ्लोर। व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द वॉल, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द फ्लोर, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द वॉल। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी? तो बच्चों प्लीज बताइए, यहां तक कोई मसला है? नहीं। आखिरी पर चीज सुन लीजिए, मुझे एक बात ये बता दीजिए भाई, मुझे आपने एक बात ये बतानी है कि सर जी ये किधर आया? आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट से अगर लैडर खिसकी तो किधर खिसकेगी? इस वेट की वजह से अगर लैडर खिसकी तो किधर खिसकेगी? नीचे खिसकेगी। अगर लैडर नीचे खिसकेगी तो फ्रिक्शन किधर बनाओ? है जी, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन किधर बनाओगे भाई? अगर यहां से खिसकना हुआ, लैडर नीचे खिसकी तो फ्रिक्शन बनेगी किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एफ, दिस इज, इसको लिखिए फ्रिक्शन, एंड दिस इज द फ्रिक्शन ड्यू टू क्या? ड्यू टू द वॉल। ओके हो गया। अब जब ये यहां से नीचे खिसकेगा तो ये यहां से किधर खिसकेगा? फिर ये यहां से किधर खिसकेगा भाई? लैडर यहां से किधर खिसकेगा? आगे की तरफ खिसकेगा। तो फ्रिक्शन किधर होगी? पीछे की तरफ। दिस इज द फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लोर। हाँ जी, ये ड्रॉइंग्स बना लो, इस तरह से उसको फोर्सेस दिखा लोगे, इस तरह से उसको फोर्सेस दिखा लोगे भैया। किसी का कोई सवाल है? किसी के पास कोई सवाल है बच्चों? एनीवन? अच्छा, अब मैं चलता हूं आखिरी केस। आखिरी केस है जी, अब एक आखिरी केस है। वो क्या है? व्हाट इज आर? आर इज नॉर्मल रिएक्शन। यार क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अल्लाह के बंदो, आर नहीं पढ़ा? हमाद साहब, ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने मेरे भाई? हाँ जी, R is the normal reaction that is perpendicular to the surface. Okay. अब मैं आपको दूसरा केस लिखवाने लगा। अगला केस क्या है जी? अब नहीं, मैं फोर्सेस को बैलेंस चैलेंज नहीं कर रहा, बस मैंने फोर्सेस ड्रॉ करनी थी। सवाल वाले ने कहा जस्ट फोर्सेस ड्रॉ कर दो। सवाल वाले ने कहा जस्ट फोर्सेस ड्रॉ कर दो, तो हमने जस्ट फोर्सेस ड्रॉ कर दी। अब यहां से आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। नहीं, उसने सवाल वाले ने और कुछ नहीं कहा। फोर्सेस को मत छेड़िए प्लीज, फोर्सेस को मत छेड़िए, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है। रिंग
threaded on a fact a ring that is threaded on a rough horizontal road a ring balki ek pura numerical hai. Why not solve this numerical? Why not solve this numerical? A ring of mass. Suno ji, 4 kg is attached. A ring of mass 4 kg is attached to one end of a light. Of light in extensible string, okay, a ring of mass 4 kg is attached to one end of a light in extensible string, theek hai, phir the ring is threaded kaise, it is threaded on a fixed rough horizontal rod theek hai and it is pulled with a force of 20 newton yes it is the second case mein numerical ki shakal likh pa raha hu. A ring of mass 4 kg is attached to one end of light in extensible string and the ring is threaded on a fixed rough horizontal rod and it is pulled with a force of 20 newton acting at an angle of 25 degree from the horizontal okay find the coefficient of friction mu if the ring is about to move if the ring is about to move find the coefficient of friction x again between the ring and the rod if the ring is about to move lo ji ek sawal hai isko karne ke liye jaldi se sawal note kijiye main isko samjhata hu सिचुएशन ये है एक रॉड है ठीक है देयर इज दिस रॉड व्हाट इज द लास्ट वर्ड इन द राइट पैराग्राफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर लिख देता हूं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो जी सुनो भाई सुनो जी क्या सवाल चल रहा है अब जरा सवाल सुनो और इधर मैं ड्राइंग मेरी देखते जाओ सवाल सुनो ड्राइंग देखते जाओ एक रिंग है मास कितना है उसका 4 केजी इट इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग उसका एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है इज दिस क्वेश्चन फॉर स्पेशल केस नंबर 2 यस एग्जैक्टली इसको आप स्पेशल केस नंबर 2 कह दीजिए क्योंकि ये ड्राइंग मैंने पहले से नहीं पढ़ाई हुई ठीक है जी There is a ring of mass 4 kg which is attached to one end of a light inextensible string theek hai and the ring is threaded on a fixed rough horizontal rod jo ring hai wo na yahan pe hai aise it is threaded on a isko na iske baandha hua unhone the ring is threaded on a fixed
ये एक तो रॉड जो है वो फिक्स्ड है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, ये आपके पास फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड आ गया। इसके बाद आपने उसको क्या किया हुआ उस रिंग को, ये रिंग आ गई, इस रिंग का वैसे वजन कितना है नीचे, इस रिंग का वजन कितना होगा, W W इक्वल टू mg, m इक्वल टू 4 * g इक्वल टू, अगर मैं कहूं g की राउंड करके 10 ले सकते हैं, g को राउंड करके 10 ले सकते हैं तो किसी को मसला तो नहीं, बल्कि नहीं राउंड ना ही करो यार, 9.81 ही लो, 9.81 ही लो, ओके ओके। ये वेट आ गया, इसको ना आपने एक रस्सी से बांधा हुआ था, एंड इट इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इसको आपने पुल किया है, जो रस्सी आपने बांधी थी ना उस रस्सी के साथ आपने इसको 20 न्यूटन के साथ पुल किया है, और इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना है, इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 25 डिग्री, ठीक है। आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, क्या निकालना है आपने म्यू, If the ring is about to move, ये about to move वाला कौन सा equilibrium होता है? जी? What is meant by about to move? Weight दिख रहा है, limiting equilibrium, yes. आपकी friction दिख रही है, ठीक हो गया। अब करना कुछ यूं है, क्या अगर weight नीचे है तो प्लीज बताओ ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स होगी? अगर weight नीचे है तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स होगी? नॉर्मल रिएक्शन होगा। अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए, जब आप इसको 20 न्यूटन का जोर 25 डिग्री पे लगा रहे हैं तो क्या इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहिए? इसका एक कंपोनेंट क्या है, ये वाला हो जाएगा वर्टिकल 20 साइन ऑफ 25, और ये हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 20 कॉस ऑफ 25। यहां तो कोई मसला है, बस ये आपके सवाल है, प्लीज गौर से सुन लीजिए, यहां तक कोई मसला है? एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर आप धक्का आगे लगा रहे हैं, अगर आप इसको देखिए पुल एक तरह से आगे कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन के बारे में बस मुझे बता दीजिए कि वो किधर होगी। अगर आप इसके ऊपर इस रस्सी, जो आपने रस्सी बांधी थी, रस्सी से उसको अगर आप आगे खींच रहे हैं तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किस तरफ को होगी? बैकवर्ड्स होगी जी, फ्रिक्शन बैकवर्ड्स होगी। इसमें किसी को मसला है? ऑल अलोंग द सरफेस, ऑल अलोंग द सरफेस। आई थिंक इससे ज्यादा कोई ड्राइंग्स, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कोई फोर्स नहीं। नीचे की तरफ वेट, फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड दिखाया गया आपको, रॉड नहीं हिलता, रिंग हिलने वाली है, रिंग आगे जाने लगी है, अभी गई नहीं। इट इज अबाउट टू मूव का मतलब है, अबाउट टू मूव का मतलब है क्या? लिमिटिंग Equilibrium, है जी? इसका एक लफ्ज लिख दीजिए, limiting equilibrium. If it is about to move, it means it is in limiting equilibrium. If it is in limiting equilibrium, it means forward forces are equal to backward forces, upward forces are equal to downward forces. And you know what? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? If क्या है? The object is in limiting equilibrium. इक्विलिब्रियम है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, जो भी है दो चीजें होंगी, सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा, और मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो होता है ना, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होता है ना, तो सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा और सिग्मा एफ वाई भी जीरो होगा। मुझे प्लीज ये बता दीजिए हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी फोर्सेज हैं, फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू बैकवर्ड या नहीं? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है कि सर सम ऑफ द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो, forward force will be equal to backward force. Can you please tell me what is forward force? What is backward force? Friction. लो जी, यहां से आप इसको calculate कीजिए 20 into cos of 25, तो आपके पास friction की value कितनी आ जाएगी? It will be 18.1. ठीक हो गया। Sigma Fy, upward is equal to downward. अपवर्ड कौन कौन है? सर जी आर अपवर्ड है और 20 साइन 25 अपवर्ड है, और नीचे कौन है? सर जी नीचे जो है ना उसका वेट नीचे है,
दैट इज एम जी. एम जी इज क्या? एम जी इज यू नो दिस. यहां से जब आप आर निकालने की कोशिश करोगे तो प्लीज बताओ आर क्या आएगा. इट कम्स आउट टू बी 30.78. क्या था? 30.8 कर लो जी. ये रे जी, लो जी. ओ हैदर भाई, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये सेकंड केस ही है, सेकंड केस ही है. हाउ इज फ्रिक्शन इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स? इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बेटा. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्सेस आर बैलेंस्ड. अभी इट इज अबाउट टू मूव. मूव नहीं हुआ हसान. इट इज अबाउट टू मूव. इट इज नॉट मूविंग. इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग. इट इज इन द एट द लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज सर फोर्सेज आर स्टिल बैलेंस्ड. फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड. ये भी आ गया, वो भी आ गया. निकालना क्या था भाई? लो जी, निकालना क्या था सर? ये बताइए. दोबारा बताता हूं, दोबारा सुनिए. रिंग ऑफ मास 4 kg, ठीक है सर. इट इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. ठीक हो गया, ठीक हो गया. देन द रिंग इज थ्रेडेड ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड. वो आपको दिखा दिया गया, उसके अंदर रिंग को फंसा लिया गया था. ठीक है. इट इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 20 newton. उसको 20 newton के जोर से खींचा जा रहा है. जिस जो 20 newton का फोर्स है वो 25 degree पे लग रहा है, इसलिए उसको रिजोल्व कर दिया था. आपसे कहा गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. म्यू निकालना है भैया. यार जी ये बताएंगे म्यू कैसे निकलता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, या नहीं पढ़ा? एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. तो फिर म्यू क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर. है म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर. ओके, एफ की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है. प्लीज बताइए व्हाट इज एफ की वैल्यू? इट इज 18.1. व्हाट इज आर की वैल्यू? इट इज जो है 30.8. इट इज 30.8. मुझे जरा प्लीज फाइनल जवाब बता दीजिए. मुझे इसका फाइनल जवाब बता दीजिए. दे से इट इज 0.588. समथिंग लाइक 0. म्यू की यूनिट्स क्या होंगी? नो यूनिट्स. 0.588 या 89. 0.59. पता नहीं कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक ना. 589. आई बिलीव इट इज 0.589. पेज के हेडर पे जाके कहीं लिखिए कि म्यू इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. क्योंकि फ्रिक्शन भी न्यूटन में है, रिएक्शन भी न्यूटन में है, तो न्यूटन न्यूटन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे. म्यू इज जस्ट अ रेशो. म्यू इज जस्ट अ रेशो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. डायग्राम कुछ सवालों में गिवन होगी, कुछ में आपको खुद बनानी होगी. डायग्राम कुछ सवालों में गिवन होगी, कुछ में बनानी होगी. मेजोरिटी सवालों में गिवन होती है, लेकिन ये जो फोर्सेज है ये खुद बनानी है. डायग्राम बनी होगी, फोर्सेज आपने बनानी है. वेट नीचे आपने दिखाना है, रिएक्शन ऊपर आपने दिखाना है. ठीक है. ये जो 20 newton की फोर्स है ये शायद बनी हो. फ्रिक्शन किधर होगी, रिएक्शन किधर होगा, वेट किधर होगा, ये आपने बनाना है. ये आपने बनाना है. ठीक है. ये सर आपने बनाना है. वी गॉट आवर रिजल्ट ऑन ट्यूजडे. सैटरडे आफ्टर स्टडी लेटर वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं. ये वाली बात मान लेता हूँ, बाकी जो भी पुटी सीधी बातें करनी है व्हाट्सएप पे कर लेना. जो भी पुटी सीधे मैसेजेस हैं पढ़ाई से हट कर. ठीक है. टेस्ट नो डिले इन द टेस्ट. हफ्ते से रोना आ रहा है. हाँ रोना, अब आगे भी रोना ही आएगा. टेस्ट की तैयारी करोगे तो तैयारी अच्छी होगी, रोने का क्या फायदा भाई. ठीक है. मुझे कोई इतने ढेर सारे मैसेज आ रहे, मैं एक भी नहीं पढ़ रहा. ठीक है. ओके चलो ठीक है. देखते हैं. मैं व्हाट्सएप के ऊपर जब आप मैसेज करेंगे तो मैं वहां फॉलो करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो इतने ढेर सारे मैसेजेस हैं, मैं नहीं पढ़ रहा.
टेस्ट है भाई, टेस्ट है, बिल्कुल है। जितना मैथ्स का पढ़ा है वो सारा, जितना भी फिजिक्स का पढ़ा दिया वो सारा, ठीक है, वो सारे का भी है। मैथ्स की प्रॉब्लम्स भी दे, मैथ्स के लिए भी एक वर्कशीट दे दिए, इसके लिए भी एक सिंपल सी वर्कशीट भेज दूँ, इसके लिए भी एक सिंपल सी वर्कशीट भेज दूँ, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, टाइम हो रहा है 7:50, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं।